नमस्कार। अगर आपने पहाड़ों को करीब से देखा है तो वहाँ की दिक्कतों परेशानियों को भी आपने जरूर देखा होगा। पहाड़ों की जिंदगी बाहर से जितनी आकर्षक दिखती है उससे कई गुना कठिन वहाँ के रहने वाले लोगों का जीवन होता है। ऐसे में खास लोगों की सरकार से रहती है कि उनके लिए सरकार कुछ करें, लेकिन सरकार तक उनकी बात कभी कभार पहुँच नहीं पाती। लिहाजा हमने सोचा कि इसका बेड़ा हम खुद उठा लेते हैं और आज हम उत्तराखंड के गरुड़ ब्लॉक की परेशानियों को सरकार के सामने रख रहे हैं। गरुड़ ब्लॉक बागेश्वर जिले में आता है। ये कत्यूरी राजाओं की भूमि है और यह कत्यूरी राजाओं की कभी राजधानी भी हुआ करती थी। तो चलिए शुरू करते हैं और सरकार को बताते हैं कि इस इलाके के लोग किन मुश्किलों से जूझ रहे हैं। इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या है अस्पताल की। यहाँ बैजनाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि अस्पताल में दवाइयाँ नहीं मिलती, छोटी छोटी बीमारियों की दवा भी बाहर से लिख दी जाती है और इलाज भी सही नहीं मिलता। तो सुनिए सरकार, लोग आपसे गुहार लगा रहे हैं कि इस ओर नजरें घुमाइए और यहाँ के लोगों की समस्याओं को दूर कीजिए। यहाँ पे बैजनाथ जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये बिल्कुल एक हिसाब से देखा जाए इसको एक रेफर सेंटर बना दिया गया है और यहाँ पर जितनी भी अगर एक हल्की बीमारी मतलब सर्दी जुखाम बुखार की अगर किसी को होता है तो उसकी दवाइयाँ तक भी यहाँ से जो है बाहर से प्राइवेट से ख़रीदने के लिए कह दिया जाता है और हल्का फुल्का एक नॉर्मल डिलीवरी वाले केसों को भी यहाँ से सीधे अल्मोड़ा रेफ़र किया जा रहा है। और मतलब इसकी जो है स्वास्थ्य केंद्र की इतनी बदहाल स्थिति आज की डेट में हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर जो है प्रशासन ने इस पर ध्यान देना चाहिए। अस्पताल के खस्ता हालात के बारे में जब हमें पता चला तो हमने वहाँ के चिकित्सा अधिकारियों से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज हम पहुँचे हैं बैजनाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा हमने लिया और जानेंगे प्रभारी चिकित्सक जो यहाँ के हैं डॉक्टर गुंजियाल सर। कई जो यहाँ पे पेशेंट आते हैं उनका कहना है कि दवाइयाँ बाहर से लिख दी जाती हैं, क्या कुछ कहेंगे सर आप? जहाँ तक बाहर से दवाइयों का लिखने का ये जो प्रकरण है, पहले भी मेरे पास एक दो संज्ञान में आया था। हमारे यहाँ पे जितनी भी दवाइयाँ हमें CMSD से प्राप्त होती हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे यहाँ पे जो इलाज के लिए आते हैं व्यक्ति, उनको अधिक से अधिक दवाइयाँ, सारी दवाइयाँ और अधिक से अधिक क्वालिटी की जो सुविधा है वो यहाँ से उपलब्ध कराई जाए। दवाइयों का जहाँ तक है कि डेली जो जितनी दवाइयाँ हमारे पास आती हैं या और जितनी दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हैं, सारी दवाइयों का जो चार्ट है, ये कमरा नंबर 9 जो हमारा जो मेडिसिन स्टॉक है उसके बाहर में हमें वहाँ हम डिस्प्ले करते हैं। उसमें जो दवाई हमारे पास अवेलेबल है या जो दवाई अवेलेबल नहीं है उसका उस दिन का प्रतिदिन का जो उसका जो डाटा है वो हम वहाँ डिस्प्ले करते हैं। सर जैसे पहाड़ में मूलभूत सुविधाएं स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी काम होना है अभी क्योंकि ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं नहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे उपलब्ध अभी हैं ये जानेंगे आपसे। ब्लॉक गरुड़ के संदर्भ में अगर मैं बताऊँ तो जैसे कि हमारे पेरिफेरी, आपको ये पता है कि जैसे पहाड़ का इलाका विषम भौगोलिक का इलाका है, यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की का जो फैलाव है पहले से काफ़ी बड़ा है पर अभी भी काफ़ी और अधिक सुधार की आवश्यकता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेरिफेरी में हमारे गरुड़ ब्लॉक में 116 आशाओं के माध्यम से कार्य किया जा रहा है, जो प्रत्येक गांव में या किसी जो बड़ी ग्राम सभा है तो वहाँ पे दो दो आशाएँ भी हमारी कार्यरत हैं, जो वहाँ की जो जितनी भी हमारी जननी है, सुरक्षा है, GSY है, टीकाकरण के कार्य है, कोविड से रिलेटेड आपने देखा होगा डायग्नोस्टिक सैम्पलिंग और होम आइसोलेशन में, इन सब चीज़ों में उनका बढ़ चढ़ के काफ़ी अच्छा उनका कार्यभार रहा है। और हमारे यहाँ पे जहाँ तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की बात है कि हमारे यहाँ पीडियाट्रिशियन, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट और लेडी डॉक्टर और सामान्य जनरल सर्जन, ये डॉक्टरों की नियुक्ति हो चुकी है। पेरिफेरी में हमारे पास जखेड़ा में, कंधार में, घेटी में, वजूला में, यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर MBBS डॉक्टर जो एलोपैथिक डॉक्टर है वो आ चुके हैं। तो सुनी आपने बात कि क्या हालात हैं इस अस्पताल के, लेकिन अक्सर हमने देखा कि सरकारी अधिकारी अपने विभाग की असल कमियों को उजागर नहीं करते। ऐसे में फिर जनता को ये आवाज़ उठानी पड़ती है। अगर आवाज़ बुलंद रही तो चीज़ें ठीक होती हैं, वरना वर्षों से जनता परेशानियाँ ही सहते रहती हैं। हमने इस मसले को लेकर वहाँ के SDM से भी बात की है,
आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। हॉस्पिटल में सर कई पेशेंटों का ये कहना है कि दवाइयाँ बाहर से लिख दी जाती हैं, व्यवस्थाएँ उतनी खास नहीं है, सर इसको लेकर कुछ कहना चाहिए। नहीं, इसके बारे में एक बार पहले जांच भी की गई थी, लगभग दवाइयाँ वहाँ पर थी और दोबारा भी जांच की जाएगी। अगर कोई इस तरीके का प्रकरण आता है, कोई डॉक्टर लिखता है, तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई है नियमानुसार की जाएगी। इससे पहले एक टीम के द्वारा जांच की गई थी तो उसमें प्रकरण सामने में नहीं आया। हॉस्पिटल में पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ पाई गई थी, इसमें ड्रग्स इंस्पेक्टर भी आए थे, उनके द्वारा चेक भी किया गया था। अस्पताल के अलावा इस इलाके में सड़कों की स्थिति भी बदहाल है। ग्रामीण सड़कों के साथ साथ पर्यटक स्थल कौसानी से बैजनाथ तक करीब 4 किलोमीटर की जो सड़क है वो खस्ता हालात हैं। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हैं, उड़ती धूल है और ये सब कभी भी किसी भी घटना को दावत दे सकती है। इसके बाद बात करते हैं किसानों की। यह इलाका खेती के लिए बेहद सुगम माना जाता है, लेकिन पिछले कई वर्षों से जंगली जानवरों के आतंक के कारण यहाँ खेती चौपट हो गई है। आपको बता दें कि यह क्षेत्र बागेश्वर विधानसभा में आता है और चंदन राम दास यहाँ के विधायक हैं। तो विधायक जी, स्थिति ठीक नहीं है आपके इलाके की। आपको यहाँ के लोगों ने 4 बार चुनाव जिताकर विधानसभा भेजा है और आप इस बार मंत्री भी बन गए हैं, लेकिन आपके इलाके की इस तरीके की स्थिति को देखकर लगता है कि वहाँ के लोग खुश नहीं हैं। क्योंकि खुशहाल तब होंगे क्योंकि 4 बार आपको वहाँ से चुनाव जिताकर लोगों ने भेजा है और लोग 4 बार आपको करीब करीब 20 सालों का वक्त आपके पास है, 15 साल आपको मिल चुके हैं, 5 साल आपके पास और हैं। अगर इन 5 सालों में भी ये इलाका खुशहाल नहीं हुआ तो फिर बड़ी दिक्कत की बात है। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।